वेलकम टू एमिनेंस लर्निंग हब। आज के सेशन में हम सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, शट करना, मल्टीपल कंपनी सिलेक्ट करना और डिलीट करना। टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे या हम शॉर्टकट की अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे। कंपनी क्रिएशन विंडो पर सबसे पहला ऑप्शन हमें कंपनी डेटा पाथ का मिलता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारी इस कंपनी का डेटा कंप्यूटर के किस डिफॉल्ट लोकेशन पर सेव होगा। सेकेंड ऑप्शन है कंपनी नेम। यहाँ हम कंपनी का नाम लिखेंगे और उसका मेलिंग नेम एंड एड्रेस टाइप करेंगे। देन सिलेक्ट करेंगे स्टेट और कंट्री नेम, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक एक्सेट्रा। देन फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर क्लोज होता है। इसे बिजनेस ईयर भी कहा जाता है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये ऑटोमेटिकली फिल कर लेता है। हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं और जब से बिजनेस शुरू हुआ है उस डेट को लिख सकते हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और बाकी की डिटेल्स को एज इट इज रहने देंगे। कंफर्मेशन को यस करते ही एक कंपनी टैली प्राइम में हमारे बिजनेस के नाम से क्रिएट हो जाएगी। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फीचर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि मेंटेन अकाउंट्स, बिल वाइज एंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन जैसे जीएसटी की डिटेल्स को ये पहले से एक्टिवेट कर लेता है, ताकि हम आसानी से अपने लेजर और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आसानी से मेंटेन कर पाए। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये टैली की मेन स्क्रीन है, जिसे हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट्स। मास्टर्स का यूज हम बिजनेस के लेजर और आइटम्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ट्रांजेक्शन पार्ट का यूज हम बिजनेस की परचेज, सेल्स और रिसीव पेमेंट्स को एंटर करने के लिए करते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूटिलिटीज का यूज करते हैं। बिजनेस की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी आदि के लिए हम रिपोर्ट्स वाले पार्ट का यूज करेंगे। अल्टर प्लस के प्रेस करने पर हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट एंड शट। इसकी सहायता से हम टैली के और भी फीचर्स, जैसे कि अगर हमें कंपनी की इंफॉर्मेशन में किसी तरह का चेंज करना है, जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो हम अल्टर ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से उस कंपनी की इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई नई कंपनी क्रिएट करना है तो क्रिएट बटन से हम और भी कंपनियां क्रिएट कर सकते हैं। एक से ज्यादा कंपनियां ओपन करने के लिए या एक से ज्यादा कंपनीज पर काम करने के लिए हम चेंज और सिलेक्ट फीचर का यूज करते हैं। सभी ओपन कंपनीज को वन बाय वन बंद करने के लिए हम शट बटन का यूज करेंगे। और अगर हमें किसी कंपनी को डिलीट करना है तो हम अल्टर फीचर में जाकर जिस भी कंपनी को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो वो कंपनी आसानी से डिलीट भी हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।